नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज से बैंकों में बदले जा रहे 2000 के नोट। टेहरी ऑन सोन डीडीयू रेलखंड पर डिरेल हुई मालगाड़ी। रांची के युवा उद्यमियों को आईआईटी पटना दे रहा बड़ा मौका। G20 की बैठक को लेकर सजेगा पटना का अशोक कन्वेंशन सेंटर। रिंकू सिंह ने टीम इंडिया में अपनी एंट्री के सवाल पर दिया इमोशनल जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से बैंकों में बदले जा रहे 2000 के नोट। RBI के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद आज से यानी कि 22 मई से बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलने की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट है तो आप भी उसे आज से बैंकों में बदलवा सकेंगे। मालूम हो कि इस बार नोट बदलने के लिए पिछली बार की तरह किसी तरह की फॉर्म भरने और पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस बार लोगों को नोट बदलवाने में SBI की ओर से बड़ी राहत दे दी गई है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना किसी पहचान पत्र और बिना किसी फॉर्म को भरे भी एक बार में 2000 के नोट के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए तक को बदलवाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने के लिए एक अलग से विंडो होगा जहां पर नोट को बदलवाया जा सकेगा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में इन डिग्री धारियों को नहीं मिलेगा मौका। बिहार में जब से नई शिक्षक नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है, तब से लगातार बिहार के शिक्षकों के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में अब एक नई कहानी जुड़ने जा रही है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि नई शिक्षक नियमावली के तहत टेक्निकल डिग्री धारकों यानी कि BBA, BCA, BTEC डिग्री धारकों को अलग रखा गया है, यानी कि वह शिक्षक नहीं बन सकेंगे। मालूम हो कि जब से यह निर्णय लिया गया है तब से नियोजित शिक्षकों के साथ साथ टेक्निकल डिग्री धारी अभ्यर्थियों के द्वारा भी सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया गया है। टेक्निकल डिग्री धारकों का कहना है कि पहले की तरह ही उन्हें अभी भी मौका मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विरोध कर रहे शिक्षकों को सरकार की ओर से चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। डेहरी ऑन सोन DDU रेलखंड पर डिरेल हुई मालगाड़ी। आज यानी कि सोमवार की अहले सुबह करीब 3:45 बजे बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डेहरी ऑन सोन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के बीच कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हो गए, जिससे कि इस रूट पर रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा था। बता दें कि इस घटना को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलखंड पर किलोमीटर 639/21/A के निकट मालगाड़ी के खाली 2 वैगन डिरेल हो गए, जिसके बाद घटनास्थल पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना राहत यान के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और राहत बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही यात्री और उनके परिजनों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय 0541225414 गया 9771427494 के लिए नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर सही जानकारी ली जा सकती है। बिहार में गांव स्तर पर खेल प्रतिभा का चयन कर दिया जाएगा प्रशिक्षण। बिहार की राजधानी में आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के समापन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार में गांव स्तर पर खेल प्रतिभा का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग से कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। मालूम हो कि इसके जरिए स्कूल के शारीरिक शिक्षकों को 3 महीने का कोर्स द्वारा प्रशिक्षित कर खेल प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जाएगा। बता दें कि अगर ऐसा किया जाता है तो राज्य में खेल प्रशिक्षकों की कमी दूर होगी और साथ ही उनका स्तर भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर खेल प्रतिभा का चयन किया जा सके, इसके लिए आड़ा, बघा, छपरा, सिवान, भागलपुर और बक्सर में भी खेल अकादमी खोला जाएगा। राज्य के युवा उद्यमियों को IIT पटना दे रहा बड़ा मौका। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप उद्यमी बने तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि राज्य के युवा उद्यमियों के लिए IIT पटना के द्वारा अपने इंक्यूबेशन सेंटर में NIDHI-EIR यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जो कि प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो विचारों और नवाचारों को सफल स्टार्टअप में परिवर्तित करता है। अगर आप इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट NIDHI-EIR.IC@IITP.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि आवेदन 10 जून 2023 तक ही अपनाई जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित की गई है, जो इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 2 दिन से लापता युवक की मिली सब
पटना जिले के तरेगना गांव बिंदौल पंचायत और बीटा थाना क्षेत्र के एक युवक का शव सोन नदी में संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान कृष्णा पटेल उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई। वहीं जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तब शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया में जुट चुकी है। फिलहाल शव को दानापुर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार जनों के अनुसार 3 दिन पहले युवक घर से अपने ससुराल वट सावित्री पूजा के दिन पत्नी से मिलने गया था। पूजा समाप्ति के बाद वह देर शाम तक अपने घर के लिए सोन नदी के रास्ते निकला। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान वह अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। हालांकि स्वजनों द्वारा हत्या की आशंका भी जताई गई है। ससुराल से निकलने के बाद युवक से किसी प्रकार का संपर्क न हो पाने के कारण परिवार जनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। G20 की बैठक को लेकर सजेगा पटना का अशोक कन्वेंशन सेंटर। G20 की बैठक को लेकर बिहार की राजधानी पटना स्थित अशोक कन्वेंशन सेंटर को सजाने के लिए 1,56,44,500 रुपए की निविदा जारी की गई है। बता दें कि इस राशि की मदद से अशोक कन्वेंशन सेंटर का रंग रोगन का कार्य पूरा किया जाएगा और इसके साथ ही G20 बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए शौचालय का आधुनिकीकरण करने का काम भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भवन में सुरक्षा की दृष्टि से कुल 41 आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा भवन में जारी किए गए राशि से वाटर आरओ और वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही परिसर में फर्स्ट एड टूल की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं नेटवर्क को मजबूत किया जा सके इसके लिए टेलीकॉम कंपनी के द्वारा नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और बेल्ट्रॉन के द्वारा वाईफाई लगाया जाएगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस भवन में G20 की बैठक 20 से 25 जून के बीच होने की संभावना है। बिहार में 5 उद्योग क्लस्टर में भवन तैयार पर मशीन नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत 5 उद्योगों के क्लस्टर के लिए भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब तक पर्याप्त मशीनों की अनुपलब्धता से इसे अब तक शुरू नहीं किया गया है। बता दें कि जिन 5 उद्योग क्लस्टर की शुरुआत नहीं हो पाई है वह नालंदा, लखीसराय व मोतिहारी में प्रस्तावित क्लस्टर शामिल है। मालूम हो कि इन क्लस्टर की शुरुआत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भूमि संबंधित मामलों के लंबित होने, सहकारी समिति के निर्वाचन, मशीन एवं आवश्यक उपकरण की खरीद सहित अन्य प्रक्रियाओं को लेकर बाधा हो रही है। इससे इन क्लस्टरों में वाणिज्यिक उत्पादन कार्य लंबित है। बता दें कि समय से उत्पादन शुरू नहीं होने की वजह से इसका घाटा उद्यमियों को बढ़े हुए कॉस्ट को उठाकर करना होगा। 5R से बदलेगी गांव की सूरत। बिहार की राजधानी पटना के सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके इसके लिए 5R पर काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 5R के अंतर्गत रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल व रिकवर है। यानी कि इन 5 प्रोसेस के तहत घर से निकलने वाले कचरों की प्रोसेसिंग की जाएगी और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाया जाएगा। मालूम हो कि इसकी शुरुआत प्लास्टिक कचरे को रिफ्यूज करके की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना जिले के ग्राम पंचायतों को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। मालूम हो कि स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किया जा रहा है। वहीं सभी कचरे की प्रोसेसिंग करने के बाद उसे दूसरे चीजों को बनाकर उसे बिक्री भी की जाएगी, जिससे कि कचरा प्रोसेसिंग कर कमाई भी हो सकती है। बिहार राज्य पथ निगम का अपना CNG पंप होगा। वित्त विभाग की ओर से राज्य में बढ़ते CNG बसों की संख्या को देखते हुए बिहार राज्य पथ निगम के अपने CNG पंप होने को लेकर वाले प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी गई है। बता दें कि अब इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की ओर से मुहर लगा दी जाएगी और फिर बिहार राज्य पथ निगम के पास अपना CNG पंप होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अपना CNG पंप नहीं होने से बसों को बीच रास्ते में रुककर ही CNG भरवानी पड़ती है। इसके साथ ही कई बसों में छोटे नोजल होते हैं, जिस वजह से CNG भरने के दौरान अधिक समय लग जाता है। वहीं जब बिहार राज्य पथ निगम के पास अपना CNG पंप होगा तो बसों को CNG फुल करके ही परिवहन परिसर से रवाना किया जाएगा। बता दें कि CNG पंप का निर्माण फुलवारी शरीफ में बने परिवहन परिसर में ही किया जाएगा, जिसके लिए गेल इंडिया से बातचीत की जा रही है। तेजस्वी यादव ने RJD नेताओं को लालू प्रसाद यादव के सामने सौंपी नई जिम्मेदारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब RJD भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समक्ष RJD के सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इस नई जिम्मेदारी के तहत RJD नेता राज्य के गांव-गांव में घूम-घूमकर पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंड में अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से सम्मेलन करने का निर्देश दिया गया है, जो कि 28 मई तक चलने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे से CM नीतीश करेंगे मुलाकात।
इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी विपक्षी नेताओं को एक करने की मुहिम चला रहे हैं। बता दें किसी कड़ी में कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं आज यानी कि 22 मई को सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होंगी। बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मिलन के दौरान बिहार की राजधानी पटना में प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक की तारीखों को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बिहार में बीजेपी ने सांसद विधायक को दिया ये टारगेट। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बिहार में बीजेपी की ओर से सांसदों और विधायकों को एक टारगेट दिया गया है, जिसके तहत पार्टी की ओर से राज्य में एक महीने के लिए अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इसके लिए पार्टी की ओर से सांसदों, विधायकों और बड़े नेताओं को 70,000 बूथों को टारगेट दिया गया है और साथ ही एक नारा भी दिया गया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इस महाजनसंपर्क के अभियान की शुरुआत 30 मई से होने वाली है, जो कि 30 जून तक चले। वहीं अभियान की शुरुआत 29 मई से ही हो जाएगी और 20 जून तक प्रचार अभियान चलेगा। रिंकू सिंह ने टीम इंडिया में अपनी एंट्री के सवाल पर दिया इमोशनल जवाब। आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टार रिंकू सिंह ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया है, लेकिन जब एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे उनके टीम इंडिया में सिलेक्शन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा और इमोशनल बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को अच्छा लगता है जब किसी का सीजन अच्छा जाए। मेरे लिए ये सीजन बहुत अच्छा रहा है, काफी खुशी मिलती है। मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूं कि इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा, मैं बस ये सोच रहा हूं कि जब घर जाऊंगा तो जो मैं अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दूंगा। मेरे घर वाले बहुत खुश है, बहुत चीजें बदल गई हैं। हालांकि लोग मुझे पहले भी जानते थे, लेकिन जब से 5 छक्के जड़े हैं तब से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी है, बहुत लोग जानने लगे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिनों हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुमारी संजना, कुश कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, कन्हैया कुमार, सदुल्लाह पलवी, कल्याणी कुमारी, नौशद अंसारी, पीके पासवान, राजकिशोर महतो, कमलेश शर्मा, रवि कुमार राम, अजीत पोरस, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आपका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।